हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। एक पॉइंट है जिस पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बताना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब वैद्युत द्विध्रुव के कारण। यहाँ पे द्विध्रुव कर लेना, तो उसके कारण जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का वो होता है 1/4πε₀ पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सबसे पहले तो इसको आप रट लो, ठीक है। अब जो डाइपोल होता है वो क्या होता है समझ लेते हैं, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो सपोज यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, और ये एक शॉर्ट डिस्टेंस 2L सपोज हम मान लेते हैं उस पर है, तो ये एक डाइपोल बनता है। तो इस फॉर्मूले में क्या है, जैसे सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, उस पर उस पॉइंट पे बताना है उस पॉइंट के दिए गए कोऑर्डिनेट आर कॉमा थीटा। तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको मिलाएंगे, ये एल और ये एल रहेगा, इसको थीटा मान के जब फाइनली डेरिवेट करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब कुछ पॉइंट जो पता होने चाहिए कि जो डाइपोल होता है वो वेक्टर होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि जो विद्युत द्विध्रुव होता है वो सदिश राशि होता है। उसका फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू क्यू इंटू टू एल। तो इसका मात्रक भी पूछ सकता है, तो मात्रक क्या हो गया, कूलाम इंटू मीटर। देखो केयरफुली करना, क्योंकि कूलाम प्रति मीटर जल्दबाजी में कर देते हैं बच्चे, कूलाम इंटू मीटर। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड एक और होता है, बहुत पूछते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर विद्युत फ्लक्स पूछते हैं तो वो स्केलर हो जाता है, मेरी बात पे ध्यान देना, वो स्केलर इसलिए हो जाता है क्योंकि कभी भी दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, जैसे एग्जांपल वर्क का ले लो, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो दो सदिश राशियों का अदिश गुणन हमेशा सदिश कैसा होता है, अदिश होता है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और उनका परपेंडिकुलर एरिया का होता तो डॉट प्रोडक्ट ही है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो अदिश राशि होता है, याद रखना। फ्लक्स पूछे तो अदिश, और अगर डाइपोल यानी कि द्विध्रुव की बात करेगा तब फिर वहाँ पे आप सदिश कर देना, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला आपको होना चाहिए पता, क्या पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो उसमें क्या है, अल्टरनेट करंट का एक परिपथ है जिसमें करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस है यानी कि कलांतर है वो फाई है। तो धारा का वाटहीन घटक यानी कि वाटलेस कंपोनेंट बताना है। देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कॉस थीटा कॉस फाई करने वाले हो, जो कि 100% गलत है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कन्फ्यूज़न कहाँ होती है, आप उसे पावर फैक्टर से कन्फ्यूज़ कर लेते हो। पावर फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहले तो पावर फैक्टर की रेंज भी पूछ ली अभी किसी एग्जाम में, तो वो 0 to 1 रहती है, ठीक है। पावर फैक्टर का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 0 से छोटा नहीं हो सकता, यानी कि निगेटिव नहीं हो सकता। सेकेंड थिंग, पावर फैक्टर क्या होता है, पी बराबर वी आई कॉस फाई, ठीक है, वी आई और कॉस फाई। तो इससे ये कॉस फाई मत कर देना, याद रखना अब आज के बाद, कि अगर वाटलेस कॉम्पोनेंट की बात करेगा तो उसमें क्या रहता है कि P इज इक्वल टू आई जहाँ पे करेंट और इंटू वी इंटू साइन फाई, यानी कि अगर वाटलेस कंपोनेंट की बात करेगा तो वहाँ पे साइन का कंपोनेंट वर्क करेगा, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साइन फाई, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान यानी कि पीक वैल्यू तथा वर्गमाध्य मूल मान, मतलब RMS, जो IRMS होता है उसे ही हम वर्गमाध्य मूल मान कहते हैं, जैसे रूट मीन एवरेज मीन, ठीक है, का रेशियो बताना है। देखो वैसे ये क्वेश्चन कर पाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन जो चैलेंज है वो क्या है कि इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। उस जो फॉर्मूला है वो होता है IRMS, यानी कि वर्गमाध्य मूल मान जो होता है वो पीक वैल्यू का रूट टू रेशियो होता है, ठीक है। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन ये हो जाती है कि लड़के यहाँ का ये यहाँ करेंगे और आपको ऑप्शन फिर आपको 1/√2 भी दिख जाएगा। लेकिन बस आपको किसी भी तरह से ये कराने का मतलब यही है कि आप एग्ज़ाम तक आप इसको देख लेना एक बार, आप कन्फ्यूज मत हो जाना, क्योंकि कई बार मैं भी कन्फ्यूज हो जाता हूँ इन क्वेश्चंस में। तो याद रखना IRMS इज इक्वल टू I0 यानी कि पीक वैल्यू अपॉन रूट टू। अब शिखर मान तथा वर्गमाध्य मूल मान यानी कि I0 का हमें IRMS से रेशियो निकालना है, यानी कि इसको इधर ले जाएंगे तो फिर वो रूट टू आ जाएगा, ठीक है, रूट टू। और ये भी ध्यान से पढ़ना कि किसका किससे अनुपात पूछा गया है, ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप एग्जाम में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किसका यूज जो है पौधों के ग्रीन हाउस में होता है, मतलब पौधा घरों, मतलब हिंदी वालों इंग्लिश वालों के लिए मैंने कुछ टर्म लिख दिए क्योंकि कमेंट आए थे कल एक दो लड़कों के कि उन टर्म्स को डिफाइन कर दिया करो। तो पौधा घरों का मतलब ग्रीन हाउसेस, उनमें कौन सा। अब देखो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं आपकी, रिलायंस मोबाइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर XY,
ये तो हो गया उनकी भेदन क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम, या कह सकते हो तरंग दैर्ध्य का घटता हुआ क्रम। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज, तो इनमें इन सभी के बहुत सारे यूजेस हैं और उन सभी पे क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। सपोज माइक्रोवेव का नेवी में बहुत पूछता है, क्योंकि माइक्रोवेव जो होता है वो ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जिसका जो आप एयरक्राफ्ट के जो नेविगेशन में, रडार में कह सकते हो, रडार में पूछेगा किसका यूज देगा, चार ऑप्शंस देगा तो वहाँ पे माइक्रोवेव। अब तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अवरक्त किरणों यानी कि इंफ्रारेड, इंफ्रारेड का यूज जो ग्रीन हाउसेस में होता है, जैसे कि फॉल्स जो डिटेक्टिव करेंसी डिटेक्ट करते हैं उनमें अल्ट्रावायलेट। और इन सभी के यूजेस मैंने बहुत अच्छे से बताए हैं, जाके प्लेलिस्ट में अगर आप देखोगे या देख रहे हो तब तो आपको पता होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, अवरक्त यानी कि इंफ्रारेड का ग्रीन हाउस में। देखो मेरी कोशिश क्या है कि इन 10-10 क्वेश्चंस के थ्रू आप तक अच्छे अच्छे 10-10 कॉन्सेप्ट लाता हूँ मैं। इससे क्या होगा कि आपको रियलाइज़ होगा एट द एंड कि मेरे पास फिजिक्स के कॉन्सेप्ट का भंडार हो गया और रिलेवेंट यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों का हो गया। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत कुछ आता हो, PhD लेवल का आता हो। एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप जाओगे एयरफोर्स की, तो एक पैटर्न दिया है उन लोगों ने, उस पैटर्न पे ही वो पूछेंगे और उन्हीं का एनालाइज करके मैं क्वेश्चंस ला रहा हूँ। तो क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, आप इनको अच्छे से मल्टीपल टाइम रिवाइज करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी कन्वेक्स लेंस यानी कि इंग्लिश वालों के लिए मैं बता देता हूँ क्योंकि बहुत से नहीं जानते, लेकिन जानना चाहिए क्योंकि आजकल क्या है कि उत्तल लेंस नहीं लिखेगा, वो अभिसारी लिख देगा। अब आपको पता ही नहीं है अभिसारी क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए जो उत्तल होता है वो क्या होता है, वो चीज़ों को कन्वर्ज करता है यानी कि कन्वर्जिंग होता है, और जो अवतल होता है वो डाइवर्ज करता है। जो अपना आई लेंस होता है, मानव नेत्र होता है, वो कन्वर्जिंग यानी कि उत्तल ही होता है। तो बेसिकली यहाँ पे वो ये पूछ रहा है कि उत्तल लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.5 है तथा फोकस दूरी एफ है, फोकल लेंथ एफ है, को पानी में डुबाया गया है, तब इसकी फोकल लेंथ क्या होगी। तो मैं आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता दूँ कि अगर किसी कॉन्वेक्स लेंस को जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है पानी में डुबाया जाएगा तो उसकी पावर ऑफ लेंस तो डिक्रीज हो जाती है और फोकल लेंथ जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जो पानी है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे कम है, वन कितना होता है, 1.33 होता है। तो अगर कम वाले में डुबोएंगे तो फोक, हमेशा याद रखना, अगर कोई ऐसा सब्सटेंस, ऐसा जो लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो एक्सेप्शन केस है इतने से ज़्यादा है, तब फिर वो अलग चीज़ है, लेकिन यही यूजुअली पूछते हैं। तो याद रखना कि पावर, कभी कभी पूछते हैं लेंस की क्षमता, तो वो घट जाती है लेंस की क्षमता और उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है। अब ये तो हुई इस क्वेश्चन की बात, लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली और पूछते हैं कि सपोज सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, बस वहाँ पे पानी के यहाँ पे कोष्टक में दे देंगे जिसका म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, इतना चेंज कर देंगे और कहेंगे तो इसकी फोकस दूरी की जगह पे करेंगे कि वो कैसा व्यवहार करता है। तो याद रखना फिर वो कैसा व्यवहार, किस तरह से बिहेव करेगा, तब वो अभिसारी ही रहेगा, अभिसारी कन्वर्जिंग ही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे किसी ऐसे द्रव में डुबाएं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतने से बड़ा हो, तब वो अपसारी यानी कि अपसारी अवतल यानी कि डाइवर्ज करने लगेगा, यानी कि डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, व्यवहार करेगा, ठीक है। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप पता होने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ से बड़ी हो जाएगी यानी कि इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच का, एक सेकेंड मैं इसको कर लेता हूँ, कांच का अपवर्तनांक जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होता है। तो देखो आप कन्फ्यूज मत होना, जो विवग्योर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, विवग्योर, GYOR, इसमें रेड का वेवलेंथ सबसे बड़ा होता है, ठीक है। अब इधर से अगर जाएंगे तो इंक्रीजिंग होता है वेवलेंथ का, और वेवलेंथ जो होती है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। अब जिसका वेवलेंथ बड़ा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा होगा। अब आप ऐसे कर सकते हो, हमें सबसे बड़ा वाला बताना है, अधिक वाला, तो इनमें रेड की तो सबसे अधिक होती है तो इसका तो सबसे कम होगा, उससे भी कम ग्रीन, तो इसका आंसर ब्लू हो जाएगा यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इन तीनों में अगर देखें तो सबसे जो तरंग दैर्ध्य है सबसे कम ब्लू की है, तो सबसे अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ब्लू का हो जाएगा क्योंकि तरंग दैर्ध्य के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये सारी चीज़ें, अब देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हो, इस बार चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, कि अगर किसी मैग्नेट की जियोमेट्रिकल लेंथ और जो उसकी चुंबकीय लंबाई यानी कि चुंबकीय लंबाई क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लेंथ जो होती है, उनमें रिलेशन बताना है। सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो ज्योमेट्रिकल
जो उसकी लेंथ होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होती है उसकी मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय लंबाई की। क्यों? क्योंकि इस पे भी आपको वन लाइनर या ऑब्जेक्टिव वो फ्रेम कर सकता है, वो अपनी तरह से ये आपको पता होना चाहिए। और जो रिलेशन है वो भी आप लर्न कर लो, बहुत ज़रूरी है कि एल जो लेंथ है चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक वाली वो होती है 5/6 इंटू लेंथ ज्योमेट्रिकल वाली। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम रेशनलाइज करें, एल जी यहाँ लाएँ, एल एम अपॉन एल जी हमें मिलेगा, क्या मिलेगा? 5/6। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि मैग्नेटिक वाला कम होता है किससे? ज्योमेट्रिकल वाले से। आठवां क्वेश्चन है, आठवां कॉन्सेप्ट है, यानी कि मैं 10 क्वेश्चंस के थ्रू आपको 10 कॉन्सेप्ट अच्छे अच्छे बताता हूँ। तो जो 8 नंबर का है वो क्या कह रहा है कि एक तत्व है, ठीक है, जिसका जो 202 एटॉमिक मास है, एक्स एक है, और उसका 84 क्या है, 84 एटॉमिक नंबर है। इससे क्या है, सक्सेसिवली पहले एक अल्फा कण एमिट हुआ, फिर उसके बाद एक बीटा कण हुआ, उसके बाद का मतलब सक्सेसिव। तो फिर क्या है कि परिणामी यानी कि रिजल्टेंट जो न्यूक्लियर है उसमें परमाणु संख्या यानी कि जो एटॉमिक नंबर है वो क्या रह जाएगा? तो अल्फा क्या होता है? हीलियम का नाभिक, जिसके निकलने से इसमें तो 2 का लॉस होता है और इसमें 4 का लॉस होता है। तो फिलहाल हमें मास से मतलब है नहीं क्योंकि परमाणु संख्या पे वर्क करना है। तो पहले अल्फा निकालेंगे तो 84 से कितना बचेगा? 82 बचेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आपको ये सीखनी है कि जब बीटा एमिट होता है तो उस पर एक प्लस कर देते हैं, यानी कि एक एटॉमिक जो उसका एटॉमिक संख्या है यानी कि एटॉमिक नंबर है यानी कि परमाणु संख्या है, और बीटा के एमिट होने से बीटा पार्टिकल एमिट होने से एक का इंक्रीज हो जाता है, फिर आप 83 कर दोगे इसका राइट आंसर। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना, और मैं करा भी चुका हूँ और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, आप इसको याद रखना। यूरेनियम वाला कभी कभी देते हैं, यूरेनियम 92-233 वाला, 35 वाला, तो उससे भी दें या कुछ एक अननोन देंगे तो आपको इस तरह से पता होना चाहिए। जो फुल वेव रेक्टिफायरफिकेशन होता है, आपने पढ़ा होगा फुल वेव रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, तो उसमें जो इनपुट का जो फ्रिक्वेंसी है इतना है, तो निर्गम आवृत्ति यानी कि आउटपुट का फ्रिक्वेंसी हमें बताना है। तो अब क्या होगा, ये 50 ही रहेगा, रिमेन सेम रहता है, या डबल हो हाफ हो जाता है, या डबल हो जाता है, या फिर 4 टाइम्स हो जाता है। तो याद रखना हमेशा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन होता है उसमें इनपुट की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो ऑलवेज इक्वल होती है आउटपुट की फ्रिक्वेंसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50 हर्ट्ज। आप देखते ही क्लिक करना है इन चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अल्टरनेट करंट से है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि अगर किसी परपथ में रेजिस्टेंस 12 ओम है और इम्पीडेंस यानी कि प्रतिबाधा आपकी 15, हाँ आई थिंक, हाँ ये 15 ही है, 15 ओम है, तो परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा? सबसे पहले तो आंसर पे चलने से पहले क्वेश्चन से आपको एक चीज़ सीखने को मिली कि चाहे प्रतिरोध हो चाहे प्रतिबाधा हो, यानी कि रेजिस्टेंस पूछे या इम्पीडेंस, दोनों का जो मात्रक होता है वो ओम ही होता है। क्योंकि अभी हेनरी प्रेर कहीं प्रेरकत्व तो कहता है तब तो आप हेनरी कर देते हो, स्वप्रेरकत्व तो कहता है तो आप गलत कर देते हो, हेनरी इंटू मीटर करने लगते हो। तो चाहे प्रेरकत्व तो कहे चाहे स्वप्रेरकत्व तो कहे, जिस तरह से सबका हेनरी होता है उसी तरह से चाहे प्रतिरोध कहे चाहे प्रतिबाधा कहे प्रतिघात कहे, सबका मात्रक आप ओम ही करना क्योंकि एक मात्रक पूछा जाना है। अब पावर फैक्टर बताना है, तो पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर जो होता है वो होता है रेजिस्टेंस बटे इम्पीडेंस यानी कि प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, आप प्रतिबाधा ऊपर करोगे तो आपको ये डी ऑप्शन राइट मैच हो जाएगा। कितना बड़ा चैलेंज है, और ये एग्जाम के ऑप्शंस फ्रेम किए हुए हैं, किसी बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था, वहाँ से मैंने पिक किया है, तो यही ऑप्शंस थे। तो जो आपका सिलेक्शन बोर्ड है, एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड है, वो क्वेश्चंस इन्हीं बोर्ड के मर्ज करके जो इंपॉर्टेंट होते हैं वही उठाता है। तो ऑप्शंस आप कन्फ्यूज, अब मैंने जो याद किया था दैट टाइम वो कैसे किया था कि रेजिस्टेंस हम लोग 10th से पढ़ने लगते हैं, क्लास पहले हम क्लास 10th में आते हैं तो प्रतिरोध तो हम जानने लगते हैं, लेकिन जो इम्पीडेंस है वो हम 12th में जानते हैं आके, अल्टरनेट करेंट जब डिटेल में पढ़ते हैं। तो इम्पीडेंस बाद में आया यानी कि 12th में मेरे साथ आया, तो रेजिस्टेंस 10th से पहले से था, तो ऊपर पहले से मतलब ऊपर यानी कि ऊपर रेजिस्टेंस रखना है नीचे इम्पीडेंस रखना है, ऊपर रेजिस्टेंस 12 रखेंगे और नीचे इम्पीडेंस 15 रखेंगे, तो 15/8 120 होता है, यानी कि पॉइंट लगा के 0 लगाएं तो 8 टाइम्स कट हो जाएगा, 0.8 बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप उल्टा कर देते हो, इम्पीडेंस ऊपर कर देते हो, तो 1.25 आ जाएगा जो गलत होगा, याद रखना। एक चीज़ और मैं साथ ही बता दूं, क्योंकि कभी कभी और एक और दो चीज़ें देगा आपको, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस देगा, तब फिर जेड कैसे निकालते हैं, वो अंडर रूट करके रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस रिएक्टेंस का दोनों का स्क्वायर कर देंगे कभी कभी, या तो ये इस फॉर्मूले से पूछेगा प्रतिबाधा, या इस तरह से पूछेगा शक्ति गुणांक, तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। ठीक है,
तो आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे होंगे। इन छोटे छोटे वीडियोस के साथ, 10-10 क्वेश्चंस के साथ, हम 10 बातें रोज़ नई सीखने की कोशिश करेंगे। आप हमें इनक्रेज कर सकते हो वीडियो को लाइक करके और अपने फ्रेंड्स को बता के, ठीक है। वैसे तो मैं नहीं कहने वाला था ये सारी चीज़ें, लेकिन एक फ्रेंड्स का कमेंट आया कि आप कह दिया करो, क्योंकि जब से आपने कहना बंद किया है तो वो जो रेट्स है लाइक का वो कम होने लगा है। तो मिलते रहेंगे, ठीक है। आप लोग मेहनत करते रहो, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। जय हिंद।